हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पावर पॉइंट एप्लीकेशन का हम किस तरीके से यूज करते हैं। बिगिनिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगी जहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो कुछ यूजेस मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि किस तरीके से हम पावर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। कुछ अट्रैक्टिव ऑप्शंस भी मैं आपको सिखाऊंगी पावर पॉइंट में कि फ्यूचर में कभी भी आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो तो इजीली आप उन ऑप्शन का यूज करके अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सके। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें उस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो उस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आपको इसको रन में जाना है। तो मैं रन में गई और यहाँ इसका रन कमांड टाइप किया, पावर PNT। तो पावर PNT इसका रन कमांड है। जब आप इसको एंटर करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है इस तरीके से खुल जाएगा। इस विंडो के अंदर हमें किस तरीके से काम करना है, जहां आप देख पा रहे हैं कि यहाँ रीसेंट कुछ फाइल्स नजर आ रही हैं, तो वो रीसेंट फाइल्स अगर आप ओपन करना चाहते हो, ऑलरेडी पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनी है, प्रेजेंटेशन बनी है, तो आप वो भी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ न्यू स्लाइड्स लेने का न्यू ऑप्शन है, न्यू फाइल लेने का भी ऑप्शन यहाँ दिया गया है। अगर हम पावर पॉइंट की बात करते हैं तो पावर पॉइंट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और प्रेजेंटेशन का मतलब होता है एक ऐसा व्यू, एक ऐसा डिस्प्ले जो अट्रैक्टिव हो, मीनिंगफुल हो, जिसको हम देखते ही समझ जाए। अब पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन बनाई जाती हैं वो एक किसी टॉपिक के ऊपर होती है। आपको किसी टॉपिक के ऊपर अगर बोलना होता है तो आप डायरेक्टली बोलते हो, और अगर एक टॉपिक के ऊपर लिखना होता है तो आप डायरेक्टली लिखते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी एक टॉपिक के ऊपर मुझे बोलना भी है, लिखना भी है, प्लस उसको डिस्प्ले भी करना है, तब तो सबसे बेटर जो व्यू होता है वो हमारा प्रेजेंटेशन व्यू होता है। तो वही कुछ आज हम करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है, यहाँ जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आप देख रहे हैं, इसमें से जो स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है आप वो स्टाइल पिक कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन लिया, ठीक है। तो डबल क्लिक कर देंगे आप, तो डबल क्लिक करते ही विंडो खुल जाएगी और इस विंडो में आप देख सकते हो कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। जब ये विंडो ओपन होगी तो इसको समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। बिगिनिंग में मैं आपको पहले इसमें समझा देती हूँ कि कौन सी चीज किस नाम से जानी जाती है। तो सबसे ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये जो लिखा है प्रेजेंटेशन वन, एंड आगे लिखा है पावर पॉइंट, तो ये हमारा टाइटल बार है। पहला जो स्क्रीन के ऊपर सबसे टॉप का जो एरिया होता है वो होता है टाइटल बार। टाइटल बार मींस हमारी फाइल का नाम लिखा होता है और हम किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं वो लिखा होता है यहाँ पर। राइट हैंड साइड कॉर्नर में यहाँ पे जो बटन्स आपको नजर आ रहे हैं इसको हम कैप्शन बटन के नाम से जानते हैं। जो तीन आपको बटन्स नजर आ रहे हैं, मिनिमाइज बटन है जिससे हम इस स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हैं तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमाइज बटन और रीस्टोर बटन। अगर ये रीस्टोर डाउन आ रहा है, अगर मैं इसको रीस्टोर कर दूंगी, ना ही ये स्क्रीन मिनिमाइज है ना ही ये स्क्रीन मैक्सिमाइज है। अब यहाँ जो बटन आप देख रहे हैं, अब ये ऑप्शन दे रहा है मैक्सिमाइज का, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी स्क्रीन फुल स्क्रीन विंडो में अपेयर हो जाएगी। लास्ट वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वो है क्लोज और कट का। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगी तो ये जो फाइल खुली है, ये जो एप्लीकेशन खुला है वो क्लोज हो जाएगा, आप इससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं ये हेल्प आइकन है। अगर आपको पावर पॉइंट में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ समझना है कि क्या होता है कैसे होता है, तो आप हेल्प आइकन पे क्लिक करके इस पे भी काम कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ आप जो देख पा रहे हैं ये जो आइकन आ रहा है ये पावर पॉइंट का आइकन है। ये आपको बता रहा है कि आप पावर पॉइंट एप्लीकेशन के अंदर हैं। और इसके साथ जो पहला ऑप्शन आ रहा है और ये जो आगे के दो तीन ऑप्शंस आ रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार्स। कुछ वीडियोस मैं आगे बना के डालूंगी तो उनमें मैं आपको वन बाय वन सारे ऑप्शंस भी सिखाऊंगी, जिसमें मैं एक वीडियो क्विक एक्सेस टूलबार्स के बारे में बताऊंगी। तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देती हूँ यहाँ पर आपको। क्विक एक्सेस टूलबार के जो ऑप्शंस होते हैं वो क्विकली एक्सेसिबल होते हैं, मतलब आप इन ऑप्शंस को किसी मेन्यू के अंदर ना ढूंढते हुए डायरेक्टली आप यहाँ से पिक कर सकते हो, यहाँ से क्लिक कर सकते हो, तो वो ऑप्शन आपको एक्सेसिबल होगा। तो ये सेव का क्विक एक्सेस टूल बार है, ये है अंडू, ये है रिडू। अंडू का मतलब होता है स्टेप बैक, रिडू का मतलब होता है स्टेप फॉरवर्ड। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, तो
मैं अभी आपको सिखाऊंगी आगे कि ये होता क्या है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है फाइल, ये इसको हम फाइल मेन्यू के नाम से जानते हैं। जब आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस नजर आएंगे जिनको हम आगे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई इंफॉर्मेशन लेनी है आपको, या कोई न्यू फाइल ओपन करनी है, न्यू फाइल बनानी है तो न्यू करेंगे हम, ब्लैंक फाइल लेने के लिए यूज होगा ये। किसी पुरानी प्रेजेंटेशन को ओपन करना है तो आप ओपन ऑप्शन यूज करते हैं। फाइल को सेव करना है या रीनेम करके उसको सेव एज करना है, प्रिंट करना है, किसी को शेयर करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ फाइल मेन्यू में मिलेंगे। तो मैं फाइल मेन्यू से यहाँ इस एरो पे क्लिक करके बैक आ गई। आगे जितने भी ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं इनको हम टैब या मेन्यूज के नाम से ही जानते हैं। ये है होम टैब, ये है इंसर्ट टैब, ये है डिजाइन टैब, ये है ट्रांजिशन टैब, ये है एनिमेशन टैब। तो बहुत ऑप्शंस यहाँ नजर आ रहे हैं इन सारे टैब्स के अंदर, जो कि आप पावर पॉइंट की जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उनको और अट्रैक्टिव और अच्छा बनाने के लिए हम इन सारे ऑप्शंस का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप कोई मेन्यू ओपन करेंगे तो हर मेन्यू के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस भी आएंगे, जैसे कि यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर, न्यू स्लाइड, स्लाइड लेआउट, रीसेट, ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये जो पैनल आप देख रहे हैं, यहाँ एक छोटा सा स्लाइड आ रहा है और यहाँ पे उसी स्लाइड को बड़े साइज में रखा गया है। तो जो भी स्लाइड आप यहाँ सेंटर पे देखेंगे और वो आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पैनल पे भी नजर आएगा। अब मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रही हूँ, स्लाइड। स्लाइड स्लाइड का मतलब होता है एक शीट, एक पेज जो पावर पॉइंट के अंदर यूज होता है। अगर आप पावर पॉइंट पर कुछ भी लिखना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो, तो आपको स्लाइड की नीड होगी और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्लाइड्स आपको मिलेंगे। तो अगर आपको कुछ लिखना है स्लाइड के ऊपर, जैसे ये जो स्लाइड है, यहाँ वो कह रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया अपने टाइटल को जो कि है मेरा कंप्यूटर। तो ये मेरा टाइटल हो गया कंप्यूटर। यहाँ कह रहा है सब टाइटल, तो मैं सोचूंगी इसका डेफिनेशन मैं जाके यहाँ पर लिख दूं। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो मैंने यहाँ पर इसका डेफिनेशन, यहाँ जो भी कंटेंट होगा वो चीज मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। वो आप पैराग्राफ में, लाइंस में आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो, तो वो चीज इस तरीके से पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस स्लाइड को इस तरीके से यूज किया। तो यहाँ हो गया हमारा टाइटल और यहाँ हो गया उसका सब टाइटल या उसका कंटेंट, ठीक है। इस तरीके से हम स्लाइड्स के अंदर लिख भी सकते हैं। और अगर जब आप इसमें लिखते हो तो इसको थोड़ा अट्रैक्टिव भी बनाना होता है, सजाना होता है। तो जैसे मैंने इस टाइटल को सिलेक्ट किया, जब आप इसको सिलेक्ट करते हो तो मैंने ना इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ये पूरा कंप्यूटर सिलेक्ट हुआ, एक छोटा सा विंडो खुला है, ये फॉर्मेटिंग विंडो है। इसमें आप इसको और अच्छा कर सकते हो, जैसे इसके राइटिंग स्टाइल को अगर आप बदलना चाहें तो राइटिंग स्टाइल को बदल सकते हैं। इसके साइज में चेंजेस करना चाहें तो ये ग्रो फॉन्ट, ये श्रिंक फॉन्ट ऑप्शन है, प्लस आपको यहाँ से भी ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने 72 साइज कर दिया। यहाँ से इसका अलाइनमेंट है, तो आप इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो। ये एक हेडिंग है इसलिए हमें सेंटर में ज्यादा बेटर लगेगा इसको रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ इसका कलर भी चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने इसका कलर यहाँ से ग्रीनिश कर दिया, इसको आप बोल्ड करेंगे तो और अच्छा दिखेगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो कैपिटल लेटर भी कर सकते हो, आप उसको पूरा कैप्स में कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। कैप्स वाला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए आपको होम टैब के अंदर इस फॉन्ट के ग्रुप में जाना होगा। और ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ये है चेंज केस ऑप्शन, तो यहाँ से अपर केस मिलेगा तो आप ये अपर केस अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से ये सबटाइटल है, तो आप सबटाइटल पे जाएंगे और सबटाइटल को भी सिलेक्ट करेंगे। आप क्लिक करके कंट्रोल ए भी कर सकते हो तो वो वैसे भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर आप कोई भी चेंजेस करने हैं तो यू कैन चेंज इट ऑल्सो। तो अब यहाँ से सिलेक्शंस लेकर आप यहाँ से इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप इसको भी बोल्ड कर सकते हैं, इसको भी आप कलर कर सकते हैं। तो जो भी आप इसमें चेंजेस करना चाहें इजीली आप चेंजेस कर सकते हो। और मैं इसको सेंटर से लेफ्ट अलाइनमेंट में रखूँ या सेंटर ही बेटर लग रहा है तो हम वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने स्लाइड को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे इस स्लाइड में एक पिक्चर लगानी है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो अगर आप पिक्चर लगाना चाहते हो तो पिक्चर के लिए हमें एक नए मेन्यू जिसमें इंसर्ट हमारा यहाँ नाम है, इंसर्ट मेन्यू में हम जाएंगे और यहाँ से हम एक पिक्चर भी लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कंप्यूटर,
तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही मैं पिक्चर लगाऊंगी। तो इसके लिए मैंने किया क्या, इंसर्ट में जाकर इमेज के ग्रुप में आपको मिलेगा यहाँ से पिक्चर ऑप्शन, पिक्चर ऑप्शन पे जाइए और आपने जहां पर भी पिक्चर्स रखे हैं स्टोर करके, आप वहां से वो पिक्चर ऑप्शन जो है पिक्चर लेके आ सकते हो और इसको अप्लाई कर सकते हैं इस जगह पर। तो मैं देख लेती हूँ मेरे पास अगर कोई पिक्चर अवेलेबल है तो मैं वो भी लगा देती हूँ यहाँ पर, तो हम वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मेरे पास अभी कोई पिक्चर अवेलेबल नहीं है, तो एक काम करते हैं अगर मेरे पास डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर अवेलेबल है तो हम वहां से उठाने की कोशिश करते हैं। लाइक ये ओके, चलिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पिक्चर्स सर्च भी कर सकते हैं, तो अगर सर्चेबल है तो हम इसको सर्च भी कर लेंगे। तो अगर कभी आपको भी यही सेम काम करना पड़े, आपको पिक्चर्स सर्च करनी पड़े, तो इसके लिए आप उस पर्टिकुलर ड्राइव पे जाइए और वहां पर जाकर आप वो एक्सटेंशन या जो फाइल का नाम है वो आप लिख सकते हैं, तो वो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो मैंने डाला कंप्यूटर डॉट जेपीजी, ये हमारी फाइल का नाम है, प्लस जेपीजी मैंने इससे लगाया है जिससे कि वो पिक्चर को ही ओपन करके दे। तो अगर वो सेलेक्टेबल नहीं है तो आप एक ड्राइव सेलेक्ट कीजिए और उसको देखिए कि अगर वो अवेलेबल है, वो हमें ढूंढ के देता है पिक्चर्स, तो हम वो पिक कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। फिर भी मैं ट्राई कर लेती हूँ एक बार कि अगर मुझे वो पिक्चर्स मिल जाएं तो हम देख लेते हैं एक बार ही। मीडिया, मीडिया के अंदर मुझे कुछ पिक्चर मिल गए, जैसे ये पिक्चर मिल गई मुझे कंप्यूटर जेफ। हाँ जी ठीक है ओके, अब ये पिक्चर देख सकते हैं आप, ओपन हो गई है, लेकिन ये बहुत बड़े साइज में आई है, जिसको मैं इसको छोटा करूंगी तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं ये कॉर्नर पॉइंट पकड़ूंगी इसका और इसको छोटा करूंगी और छोटा करके किसी एक पर्टिकुलर जगह पे लगाऊंगी। अब इसमें जैसे ही मैंने पिक्चर ली है ना, पिक्चर लेते एक नया मेन्यू खुल गया फॉर्मेट, जो कि पिक्चर का जो अनवांटेड पार्ट आ रहा है वो मुझे हटाना है। तो अब यहाँ से इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करोगे, अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो हम क्रॉप भी कर सकते हैं, बट आप देख सकते हैं कि क्रॉपिंग का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा रिसाइज करके और इसके लिए एक जगह ढूंढकर आप इस पिक्चर को प्लेस कर सकते हो। तो मैंने इसके लिए प्रॉपर एक जगह मैंने निकाली और हम इसको यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मुझे एक काम और करना पड़ेगा, इस हेडिंग को थोड़ा सा ऊपर हम रख देते हैं, इसके लिए मुझे एक थोड़ी सी जगह बनानी है, और इस कंटेंट को भी हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं एंड देन इस पिक्चर को यहाँ अरेंज करते हैं। और अगर पिक्चर को अरेंज करने पर आपका टेक्स्ट हाइड हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, जब आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट जो ओपन होगा, फॉर्मेट में जाकर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे अरेंज में, अब यहाँ से मिलेगा सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करने पर ये पिक्चर बैक साइड चली जाएगी और हमारा कंटेंट भी दिखेगा और पिक्चर भी दिखेगी। और अगर आप चाहते हैं कि पिक्चर को कोई अट्रैक्टिव लुक दें तो यहाँ पे ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप पिक्चर को अट्रैक्टिव लुक भी दे सकते हो। इस तरीके से हम अपनी पिक्चर पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स पे थोड़ा बहुत इस तरीके से आप काम कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका था इसको क्रिएट करने का। अब अगर आपको लग रहा है कि ये मेरी स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है, अब मुझे नया कोई इसके अंदर डालना है, मुझे डालने हैं डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, लाइक दूसरा स्लाइड मुझे बनाना होगा, तो मैं होम टैब के अंदर स्लाइड ग्रुप में न्यू स्लाइड ऑप्शन पे जाऊंगी। ये न्यू स्लाइड ऑप्शन पे एक नया स्लाइड का लेआउट सिलेक्ट करूंगी। नया स्लाइड का लेआउट, लेआउट एक तरीके के से आप समझ सकते हैं डिजाइन होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के डिजाइन यहाँ पे होंगे, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब मैंने जैसे आपको भी बोला कि मुझे लिखना है डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, तो डिवाइसेस जो होते हैं उसके बारे में अगर मुझे लिखना है तो उससे रिलेटेड ही मुझे स्लाइड का लेआउट लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये स्लाइड ले लिया टाइटल एंड कंटेंट, तो मैं यहाँ लिख दूंगी, जैसे कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर हो गया। अब मैंने यहाँ इसके बारे में लिखना है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इस तरीके से आप इसके बारे में यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। चाहे तो आप इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं इसके आगे ही, कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, प्रोसेसिंग
प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, देन आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, तो यहाँ आप इसके डिस्क्रिप्शन भी इजीली मेंटेन कर सकते हो, लिख सकते हो। अब मैं थोड़ी बहुत चीजें और बता देती हूँ, जैसे कि अगर मुझे इस स्लाइड के अंदर भी एडिटिंग करनी, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो हेडिंग को सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसका राइटिंग स्टाइल आप बदल सकते हो, तो राइटिंग स्टाइल मैंने चेंज कर दिया। आप साइज भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा हाईलाइट अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो कलर भी चेंज हो जाएगा एज इट इज। इसके साथ भी हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस, तो मुझे इसको प्रॉपर फॉन्ट में रखना है, तो मैं फॉन्ट स्टाइल यहाँ जाऊंगी, मैं यहाँ चेंज केस में जाऊंगी और यहाँ से लूंगी कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो आप देख सकते हैं पहले सिर्फ फर्स्ट जो वर्ड है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, उसका ही पहला लेटर कैपिटल है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर दूं, तो इसलिए मैंने ले लिया कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो ये कैपिटल हो गया। अब मैंने इसके राइटिंग स्टाइल को भी चेंज करना है, तो मैंने वो भी किया। यहाँ से साइज में अगर चेंजेस करने तो आप साइज भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो डॉट 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 नजर आ रहा है, इसको हम बुलेट्स के नाम से जानते हैं, तो आप यहाँ से इसको भी बदल सकते हो। जैसे मैंने कोई भी ऑप्शन पिक किया, तो वो चीज यहाँ से आप देख सकते हैं स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं बुलेट्स के, तो जो आपको अच्छा लग रहा है वो स्टाइल आप यहाँ से पिक कर सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ चेंजेस भी कर सकते हैं। अब ये आपको लग रहा होगा कि व्हाइट व्हाइट स्लाइड है, बहुत सिंपल है, तो इसको थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए हम डिजाइन टैब में जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल आप देख सकते हो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो जो भी स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है वो स्टाइल आप पिक कीजिए और अप्लाई कीजिए अपने स्लाइड के ऊपर। तो जो भी स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं पिक कर लूंगी, आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप पिक कर लीजिए। तो मैंने यहाँ से एक स्लाइड स्टाइल ले लिया, आप देख सकते हैं ये स्लाइड और ये स्लाइड दोनों में थोड़ा फर्क आ रहा है, क्योंकि ये थीम पे डिपेंड करता है, बट आई डोंट लाइक दिस डिजाइन, तो मैंने ये स्लाइड डिजाइन पिक किया। जब आप ये स्लाइड डिजाइन पिक करोगे तो आगे आप देखिए थोड़ा जाइए तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी मिलेंगे, आप चेंज करके देखिए तो आपको कलर भी अलग अलग मिलेंगे, तो जो कलर आपको अच्छा लग रहा है वो कलर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, तो चेंजेस भी कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्लाइड उसके अकॉर्डिंग ही बदल जाएगा। अब हमें इस स्लाइड को प्ले करके भी देखना है कि फुल स्क्रीन पे देखना है कि कैसा दिखेगा। इसके लिए हमारे पास टॉप में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, क्लिक करेंगे आप तो पहली जो स्लाइड है वो आ गई, और मैंने जो नीचे पिक्चर लगाई थी वो एक एनिमेटेड जिफ थी, इसीलिए वो प्ले होते हुए भी आपको दिखा रही है। ये तो हो गया हमारा पहला स्लाइड। नेक्स्ट आप करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आपके पास खुल जाएगी, ये है डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर वाला स्लाइड, तो ये फुल स्क्रीन में आपको यहाँ शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आएगा, उसमें मैं आपको इसके आगे और हम कैसे काम करते हैं, एनिमेशंस कैसे लगाते हैं, थीम को और मॉडिफाई कैसे करते हैं, पिक्चर्स को और किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, एनिमेशन को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं लिंक सिखाऊंगी आपको कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम लिंक कैसे लगाते हैं, ऑडियो और वीडियो कैसे लगाना होता है, और अगर जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और आपको सिखा रही हूँ बता रही हूँ आपको, तो मैं भी इस तरीके से बोलते हुए आपको पढ़ाते हुए रिकॉर्ड कर सकती हूँ जो चीजें मैं बोल रही हूँ, तो वो सब चीजें हम कैसे करते हैं पावर पॉइंट के अंदर, मैं A to Z आपको सब कुछ सिखाऊंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।